करो। ये आ रहा है हमारे सूरज देवता और ये है पूरे बादल, मतलब हम इतनी हाइट पे हैं कि अभी बादल के ऊपर है। ऋषिकेश में वही हुआ जिसका हमको सबसे ज्यादा डर था, बहुत ही भयंकर ट्रैफिक और इतना ज्यादा रश। अरे कहाँ बात कर रहा है, फिर से क्लियर बात कर रहा है। हाँ सुन रहे हैं, जब बोल रहा हूँ गाड़ियाँ छोड़ दी, अभी नहीं बोलती ना ना, दो महीने का भाई ट्रैफिक छूट चुका है, सब भाग रहे हैं। तो भाई बढ़िया धूप आ गई है, ठीक है, बारिश के बाद। और सबसे बढ़िया बात है रेनबो इंद्रधनुष भाई, अभी एक नहीं दो हैं, एक यहाँ से है, एक इधर है। तो हमारा सफर शुरू होता है सुबह 6:30 दिल्ली से तुंगनाथ के लिए। एंड इस ट्रिप पे मेरे साथ जाएंगे मेरे डैड, एंड माय डैड इज 50 इयर्स ओल्ड। और यही रीजन है कि मैं इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल हूँ पापा के लिए, कि उनको ट्रैक करने में कोई दिक्कत ना आए। बट जब मैंने पापा से पूछा कि क्या आप ये ट्रैक कर पाओगे, तो उनका जवाब कुछ ये था। बाप हम तुम्हारे भाई, तुमने देखा ही कहा है, बचपन में अपना गढ़वाल में बिताया है। उनकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस देखकर मेरे अंदर का भी सारा डाउट निकल चुका था। बस फिर गाड़ी स्टार्ट करी और निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। भाई अभी हमे को 2 घंटे 50 मिनट लगेंगे ऋषिकेश पहुंचने में, और मैं आशा कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि भाई ट्रैफिक ना मिले। और जिस चीज़ का मेरे को डर है सबसे ज़्यादा, वो है कि ऋषिकेश का ट्रैफिक, ठीक है। अगर ऋषिकेश के ट्रैफिक में हम फंस गए, गलती से भी फंस गए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हाँ इतनी मुश्किल से यहाँ से निकल गया है, अब इसने अटका दिया, ऐसे होता है भाई हर बार। चल भाई चल 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 चल। थोड़ा सा और ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे ऋषिकेश, और ऋषिकेश में वही हुआ जिसका हमको सबसे ज़्यादा डर था, बहुत ही भयंकर ट्रैफिक और इतना ज़्यादा रश। तो भाई अभी ऋषिकेश के जाम की अपडेट सुन लो, ऋषिकेश का जो जाने का रास्ता है ना, वो वाला बंद कर दिया उन्होंने, तो वो अब देहरादून से मतलब भेज रहे हैं, वहाँ से देहरादून से जो लेफ्ट पड़ता है वहाँ से भेज रहे हैं। और हमें अभी क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ है, रश के कारण मतलब वो हमको डाइवर्ट कर दिया है वहाँ से। तो अभी इस टाइम पे हमें आई थिंक 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा और घूम के जाना पड़ेगा चौलीगांव एयरपोर्ट से। तो ये है आज का अपडेट। और भाई ऋषिकेश में बहुत गंदी भीड़ है, बहुत गंदी, लोगों ने मतलब पुलिस वालों ने लिटरली बैन कर रखे हैं वो रास्ते, वहाँ से हमको डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और जगह से। बहुत ही गंदा जाम है देखो, इतना लंबा। और ये जो जो ये सेकंड लाइन बनाने वाले बंदे हैं ना, रॉन्ग साइड से आकर लाइन लगा रहे, इनकी वजह से और जाम लग रहा है, ये वकूफ कहीं के। प्लान में थोड़ा चेंज है क्योंकि ऋषिकेश में इतना जाम है ना कि मुझे ना रास्ता चेंज करना पड़ा। तो पहले हम जा रहे हैं टिहरी, फिर टिहरी में एक दिन रुकेंगे, फिर टिहरी से हम जाएंगे चोपटा, और टिहरी से चोपटा 250 किलोमीटर है। तो हम यहाँ से फिर हमको जाम नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि भाई हम पहले टिहरी से चलते हैं, फिर टिहरी से फिर जाएंगे चोपटा। तो अभी का ये प्लान है, लेट्स सी आगे क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो, क्योंकि जाम इतना है कि भाई जाम में हमें 2-3 घंटे बर्बाद नहीं करने, और 2-3 घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है हमें। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई जाम को ख़त्म करके अच्छा टिहरी घूमते हैं पहले, फिर टिहरी से जाएंगे चोपटा, सुबह सुबह निकल जाएंगे चोपटा टिहरी से। तो ये अभी अपना प्लान है, तो लेट्स सी कितना एग्जीक्यूट होता है। यार जैसे जैसे ऊपर आ रहा है मौसम और बिगड़ रहा है, बाल देखा, देख पूरे कोहले में लोग, देख पूरे के पूरे भाई साहब, भाई चेक करो भाई, चेक करो भाई, चेक करो, ओए होए। अभी तो भाई वो है मतलब जस्ट अ ट्रेलर। सोचो भाई अभी जब जाएंगे ना चोपटा तुंगनाथ, पूरा ट्रैक करेंगे, पूरी रोड पे वीडियो बनाते हुए जाएंगे, कितना पैर लगेगा देखो भाई। मौसम हो रहा है बढ़िया, मौसम हो रहा है भाई उस तरफ, भाई पूरी लाइट आ रही, यहाँ पर पूरे बादल आ रहे, देखो यहाँ बादल है, यहाँ पूरे लाइट है, मेरे कान पूरे बंद हो चुके हैं। कितने किलोमीटर घर भाई, 12-10? हाँ 14। अरे वो नेट ही चल रहा है यार, 14 कहाँ से दिखा रहा है, कम होगा। अरे नेट नहीं चल रहा होगा यार, ये तो नेट भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मतलब कनेक्शन नेटवर्क से आ ही नहीं रहा है इंटरनेट के ढंग से किसी के पास। तो जो हमारा गूगल मैप है ना, वो साला क्या बोलते हैं 14 पे रुक गया, 14 किलोमीटर, वो आगे शो ही नहीं कर रहा। बारिश तेज हो गई यार, भाई देख रहे हो। तो भाई मैं आ गया हूँ टिहरी डैम के जस्ट ऊपर, और
भाई हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है और ये देखो भाई, ये तुम्हारा भाई ये कितना बड़ा है यार ये। अरे यहाँ पे हल्की हल्की से ना बिजलियाँ कड़क रही है, अभी आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, अभी कैप्चर ढंग से हो नहीं रही। 19 किलोमीटर रह चुका है टीरी यहाँ से और अभी निकलते हैं, 19 किलोमीटर कवर करते हैं पूरा और फिर वहाँ पे होटल लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आँख खुलती है तो हम होते हैं टिहरी में सुबह सुबह 6:30 बजे। सुबह जब आँख खुलती है आपके सामने इतना अच्छा मौसम और इतने अच्छे पहाड़ हो तो फिर आपका दिन अच्छा ही जाता है। तो भाई वो देख रहे हो, ये आ रहा है हमारे सूरज देवता और ये है पूरे बादल, मतलब हम इतनी हाइट पे हैं कि अभी बादलों के ऊपर है ये पूरे बादल। लोग कितना बढ़िया व्यू आ रहा, देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है, देख रहे हो यार बगल में जिम है, मैं सोच रहा हूँ कि जिम चला जाऊँ। पापा का वेट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से जल्द से जल्द, अभी 6:30 हो रहा है, जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे और ट्रैफिक भी अवॉइड करना है। भाई मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा समझाता कि मैंने क्या करा, हम कहाँ से कहाँ गए। ऋषिकेश में जाम लगा हुआ था बहुत गंदा वाला, तो फिर हमने वहाँ से प्लान चेंज करा, हम गए टिहरी। टिहरी में हमने एक दिन वेस्ट ही किया, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन हमने टिहरी में स्पेंड किया, रूम लिया, देन फिर सुबह निकल गए क्या बोलते हैं चोपटा के लिए। चोपटा के लिए जो हम निकले, हमने रास्ता लिया घनचाली रोड वाला एंड फिर वो घनचाली से हम जा रहे चोपटा। तो ये गए यहाँ से फिर जाम कम मिलेगा, जाम मिलने के चांसेस हमको गोपेश्वर के अंदर हो सकते हैं, लगता नहीं कि हम चोपटा पर, मतलब चोपटा हम बहुत मतलब जल्दी पहुँच सकते हैं, मे बी हमको शाम को 6 बज जाए या फिर 7 बज जाए, तो फिर हमको रूम हमें वहाँ लेना ही पड़ेगा एंड फिर एक दिन हमको चोपटा के अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना पड़ेगा ट्रैक के लिए। भाई यहाँ से हमको मोहाली के अंदर रोक दिया है, मेरा मोहाली पे यहीं पे ही रोक दिया और बोला कि यहाँ से कोई अलाउड नहीं है जाना और यात्रियों की गाड़ियाँ रोक दी जाएगी, यहाँ से अलाउड ही नहीं है, मतलब वापस भेज रहे दोबारा। अब क्या समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब पहले ऋषिकेश से आए इतना दूर, वहाँ से मैं घूम के आया, उसके बाद फिर यहाँ पर भी बेंच पूरा बंद है, क्या करें भाई। अरे कहाँ बात कर रहा थी, फिर से क्लियर बात कर रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ गाड़ियाँ छोड़ दी, अभी नहीं बोलती ना 2 महीने के लिए आऊँगा जी, क्या कह रहे कराते बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऊपर बात हो रहा है, ट्रैफिक छूट चुका है सब भाग रहे हैं, अलाउ तो कर दिया उन लोगों ने कि भाई छोड़ दे, छोड़ने के लिए ट्रैफिक तो छोड़ दिया, बात कर दी हमने प्रसाद से। तो मोहाली पे ना इन लोगों ने ब्लॉक कर दी थे रोड पुलिस वालों ने, थोड़ा सा स्पेशल रिक्वेस्ट पे बोला है उनको कि भाई छोड़ दो, तो अब छोड़ दिया इन्होंने मोहाली पे। यहाँ से तिलवाड़ा में जाम मिलेगा बहुत गंदा, वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो भाई अभी ना सीन ये है कि हमने लिया है रास्ता मुक्कुमठ वाला, क्योंकि वहाँ पे वाला जो चोपटा का जो रास्ता वो बंद कर दिया है। नहीं बोलो बोलो बोलो, कल तुम्हें ना वहाँ से कम आधा घंटा लगे मैच चलते जाना, कम रेवेन्यू नहीं ढूंढ पड़ा, अरे कोई पैसा भी बचा कहाँ पे, यही मुक्कुमठ रुक जाए आप आज, क्योंकि आज तो तुम ऊपर जाओगे नहीं, कल ही जाएंगे ना। हाँ हाँ ऊपर भीड़ भी बहुत है, गाड़ी लगाना तो नहीं, गाड़ी हाँ गाड़ी लगाने में नहीं है छोटा के अंदर, हमारे तो ऊपर भी मेरे सोच रहा ना भीड़ तो है नहीं गया, बट मैंने यहाँ से जितने भी देखे हैं छोटा वाले कम ही देखे हैं लोग जाने वाले, एक 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 तो कहीं है इधर यहाँ से जितने भी आए भाई जी, इधर ही है ना सड़क, पता नहीं है लोगों को, लोग जा रहे हैं उधर से ऊपर मठ से होते हुए ऊपर मठ से। हाँ ये देखो वहाँ जाम होगा, वो बहुत समस्या है भाई। आज हम फिर चोपटा नहीं पहुंच पाए, ठीक है पूरा दिन ड्राइव करते रहे और अभी आए हैं हम मुक्कू में एंड यहाँ पे हमने ये रिजॉल्ट लिया है, ठीक है क्योंकि यहाँ से चोपटा आधे घंटे या 1 घंटे के रास्ते पे है, तो यहाँ से हमें बहुत कम पड़ेगा। एक बार व्यू देखो आप, ठीक है पूरा पहाड़ों के ऊपर है, ठीक है तो यहाँ से हम जाने वाले हैं फिर चोपटा, क्योंकि जो चोपटा का जो ऋषिकेश से जो जो रास्ता है ना वो बंद कर दिया है इन लोगों ने, वो वहाँ से एंट्री है ही नहीं, तो अब हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमको पास पड़ेगा
आधे घंटे का रास्ता है, फिर वहीं से ट्रैक करके हमने गाड़ी वाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी, क्योंकि कार पार्किंग की बहुत दिक्कत आ रही है उधर चोपटा के अंदर। तो यही सीन है अभी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब मारामारी चल रही है, इतना रश है, इतना ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा। तो लेट सी, बट मज़ा आया जितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये एक नए रोड्स का है, न्यू एक्सपीरियंस, एडवेंचरस एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। तो देखते हैं कल भी हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते चोपटा, होपफुली पहुंच जाए, ठीक है। बाकी तो बस यही है अभी जो है, वही बढ़िया धूप आ गई है, ठीक है, बारिश के बाद। और सबसे बढ़िया बात देखो, रेनबो इंद्रधनुष भाई, अभी एक नहीं दो हैं, एक यहाँ से है, एक इधर है, वहाँ पर जा रहा पूरा। भाई पूरा का पूरा इंद्रधनुष, भाई जितना भी घूमे ना कोई नहीं भाई, वर्थ है भाई घूमना, एटलीस्ट ट्रैफिक में 10-20 घंटे तो भी फंसे गए, बेस्ट है कोई नहीं, घूमे हैं यहाँ वहाँ जितने भी हांडे हैं कहीं भी गए हैं, बट फन किया भाई, राइड किया है, पहाड़ों में चलाने का ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ पता लगता है, वो भी जब इतना अच्छा मौसम होता है। ओह तो भाई आज का व्लॉग ख़त्म होता है, ठीक है, फाइनली। तो ये मतलब बेसिकली ये दो दिन का व्लॉग है जो कि मैं एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने कितना घूमा। तो अभी फाइनली मैं मुकुमठ में हूँ, ठीक है, अब हम कल जाएंगे यहाँ से चोपटा तुंगनाथ फाइनली, ठीक है। तो बस वीडियो यहाँ तक एंड होती है, और इसका सेकेंड पार्ट प्लीज़ ज़रूर देखना, सेकेंड पार्ट बेस्ट है, ठीक है। ये तो मेरा स्ट्रगल था कि, और बता रहा था कि भाई कैसे कैसे कितना जाम लगाए, क्या लगाए, क्या हुआ सब कुछ, उसके बाद ये सेकंड पार्ट प्लीज़ देखना, सेकंड पार्ट पक्का देखना। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।